पाइल्स जो कि एक बहुत ही कॉमन समस्या है। जी हाँ, पाइल्स, जिसे कि बवासीर भी कहा जाता है और हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में हेमरॉइड्स कहा जाता है। पाइल्स एक बहुत कॉमन समस्या है जो लगभग हर दो में से एक को होती है। पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को ज़्यादा होती है। स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स होने की समस्या बहुत कॉमन होती है। अदरवाइज भी पाइल्स बहुत कॉमनली हो सकता है। पाइल्स क्यों होते हैं, कैसे आपको पता पड़ता है कि आपको पाइल्स हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पाइल्स होने को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर बाय चांस पाइल्स हो गए हैं तो क्या रहता है उसका इलाज, यानी कि बिना सर्जरी के कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं, किन किन घरेलू उपाय करने से, क्या चीज़ें हम हमारी लाइफस्टाइल में चेंज करें जिससे कि पाइल्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, इन्हीं सब के बारे में आज यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद। तो देखिए, ये जो पाइल्स होता है ये क्या होता है। पाइल्स बेसिकली सूजी हुई नसें होती हैं, स्वलन वेन्स होती हैं। जी हाँ, जो आपका पॉटी वाला एरिया होता है, जो एनल एरिया होता है, एनस या रेक्टम के अराउंड, यानी कि जो पॉटी वाला हिस्सा है उसके अराउंड आपकी जो नसें हैं, जो वेन्स हैं, वो सूज जाती हैं, स्वलन हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं पाइल्स। जब किसी भी महिला या पुरुष को पाइल्स की समस्या होती है तो जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो जो तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती हैं, वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। आपको पॉटी वाले हिस्से के अंदर इरिटेशन होना, खुजली होना, वहाँ से ब्लीडिंग होना, ब्लड आना, कभी हल्का फुल्का ब्लड आना यानी कि स्पॉटिंग जैसा आना, या कभी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो जाना, पॉटी करने के अंदर पेन होना, स्टूल पास करते हुए सिग्निफिकेंटली दर्द होना, इरिटेशन, इचिंग, जो कि मैंने बताया जो कि काफ़ी कॉमन होता है जब भी आपको पाइल्स होते हैं। कभी कभी जब ये नसें फूल के बाहर आ जाती हैं तो आप उन्हें फील भी कर सकते हैं, हाथ से आपको ऐसा लगता है कि उस एरिया के अंदर कोई नस फील हो रही है, पॉटी वाले हिस्से के अंदर सूजन आ गई है, ऐसा सेंसेशन भी आपको रहता है। आपने स्टूल पास कर लिया है यानी कि पॉटी हो गई है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी भी बाकी है, अभी भी आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, ऐसा सेंसेशन लगना, ये पाइल्स के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल हेमरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। इंटरनल हेमरॉइड्स यानी कि वो हेमरॉइड्स, वो पाइल्स जो कि आपको फील नहीं होते, वो रेक्टम एरिया के अंदर ही रहते हैं, जबकि एक्सटर्नल हेमरॉइड्स जो होते हैं, यानी कि जो सूजी हुई नसें होती हैं, वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, आपको हाथ से भी फील होती हैं। तो पाइल्स सबसे पहले हम जानते हैं कि डेवलप होते क्यों हैं, क्योंकि जब हमें इसका कारण पता चलेगा तभी हम इसे रोकने का उपाय ढूंढ सकते हैं और हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो पाइल्स डेवलप क्यों होते हैं, पाइल्स इसलिए डेवलप होते हैं कि जब आपके एनल एरिया पे, यानी कि जो पॉटी वाला हिस्सा है, वहाँ पे लंबे समय तक स्ट्रेचिंग रहती है, लंबे समय तक जोर पड़ता है, जिसके कारण कि वहाँ की जो नसें होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, फूल जाती हैं और बाहर की तरफ आ जाती हैं। ये कब होता है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, आपको स्टूल पास करने में काफ़ी समय लगता है, या फिर हार्ड स्टूल्स आते हैं जिसके कारण कि आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो जो आप ये ज़्यादा जोर लगाते हैं उसके कारण पाइल्स होने लग जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं। यदि आप ज़्यादा वेट उठाते हैं, आपका रेगुलर कुछ काम ऐसा है जिसमें कि काफ़ी भारी वज़न उठाने का आपका काम रहता है रेगुलर बेसिस पे, आपको इन जनरल आपकी डाइट के अंदर फाइबर का इंटेक काफ़ी कम रहता है, यानी कि आप ऐसी चीज़ें जैसे कि सलाद है, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब काफ़ी कम लेते हैं, या आपका पानी का इंटेक कम रहता है जिसके कारण कि जो आपके स्टूल्स हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं और आपको पॉटी करने में काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, आपका वज़न अगर अधिक की साइड में, ओबेसिटी है, तो भी पाइल्स होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली पाइल्स होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमनली होता है, वॉमिटिंग बहुत कॉमन होती है, जिसके कारण मरीज डिहाइड्रेटेड होता है, प्रेगनेंसी के अंदर वज़न भी बढ़ जाता है, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी पाइल्स होने की जो संभावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत कॉमनली महिलाएँ कंप्लेन करती हैं हम लोगों को कि पाइल्स डेवलप हो गए हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये कॉमन कारण होते हैं जिन कारण से पाइल्स डेवलप होते हैं, क्योंकि ये मेन इसका जो कारण है वो यही है कि आपको लंबे समय के लिए स्टूल पास करने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, आपकी डाइट में फाइबर नहीं है, आप भारी वज़न उठा रही हैं, ये आपका मेन कारण है। तो हम इन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि पाइल्स डेवलप ही ना हो, तो प्रिवेंशन के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, आप अपनी डाइट के अंदर जो सैलड का इंटेक है, जो फाइबर का इंटेक है, वो स्पेसिफिकली अधिक लें, यानी कि आप फाइबर रिच डाइट लें जिसके अंदर कि आप हरी सब्जियां हैं, फल हैं, होल ग्रेन्स हैं, यानी कि जैसे कि जो गेहूं को पिसाया भी जाता है आजकल, तो जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है वो गिराया दिया जाता है, तो वो मोटे आटे की जो रोटी होती है वो स्पेसिफिकली अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू फाइन आटा खाना, यानी कि मैदा वगैरह खाने से मोटे आटे की रोटी खाना हमेशा बेहतर चीज़ रहती है। तो आप हरी सब्जियाँ, फल, होल ग्रेन्स
अंकुरित मूंग, मोठ, ये सब अधिक मात्रा में इनका प्रयोग कीजिए ताकि आपके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर जाए। लिक्विड का इंटेक अधिक लीजिए, दिन में कम से कम 4 लीटर पानी मिनिमम पीजिए ही पीजिए। बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि वो पानी पीना ही भूल जाते हैं, तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो आप भले ही एक बॉटल अपनी साइड में भर के रखिए ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आपने कितना पानी पी लिया है। तो कैलकुलेट करके मिनिमम 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पानी पीना ही नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, आपको पानी नहीं पसंद तो नींबू पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए, सूप लीजिए, जूस लीजिए, छाछ लीजिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लिक्विड का इंटेक अधिक मात्रा में होना चाहिए, भले वो पानी के फॉर्म में ना हो तो इन तरीकों से भी, यानी कि नारियल पानी, जूस, सूप, छाछ, इन चीज़ों में भी आप पानी ले सकते हैं, वो भी उतना ही काम करेगा जितना कि खाली पानी काम करता है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको हल्का सा भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप डेफिनेटली डाइट के अंदर फाइबर तो बढ़ाइए बढ़ाइए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए लीजिए, लेकिन इन चीज़ों से ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो आप लेक्सेटिव्स का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर आपको लेक्सेटिव्स एडवाइस कर सकते हैं, उसमें कुछ माइल्ड लेक्सेटिव्स होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, यानी कि जिनको लेने से आराम से स्टूल पास हो जाता है। तो आप अगर आपका अपने आप कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा तो लेक्सेटिव का प्रयोग कीजिए। बहुत लंबे समय तक बैठना भी अवॉइड कीजिए, बहुत से लोग बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने से भी जो पाइल्स होने की संभावना होती है वो बढ़ जाती है। आजकल बहुत से लोग IT इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बहुतों का सिटिंग जॉब होता है, वो बहुत लंबे घंटों तक अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके बैठे रहते हैं, तो ऐसा करने की जगह आप आधा एक घंटा काम कीजिए, उसके बाद आप एक जस्ट भले ही आधे से एक मिनट का एक राउंड मार के आइए लेकिन बीच में आप उठ जाइए, लंबे समय तक एक ही पोजीशन पे बैठे नहीं रहिए। आप ओबीज नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी अच्छा रहेगा क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ना केवल आपका वजन नॉर्मल मेंटेन रहता है बल्कि आपका जो स्टूल पास होने वाला सिस्टम होता है वो भी स्मूथ हो जाता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलर आप एक्सरसाइज कीजिए, फाइबर रिच डाइट तो मैंने बताई, वो तो आपको लेनी ही लेनी है। जब आपको लग रहा है कि स्टूल पास करना है, यानी कि आपको पॉटी आ रही है, तो उस टाइम पे आप स्टूल पास कर लीजिए, यानी कि आप ऐसा नहीं कीजिए कि बहुत लंबे टाइम तक उसे होल्ड कीजिए। बहुत सी बार लोग क्या होते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं, उनको लगता है कि अभी जाना है लेकिन वो सोचते हैं कि अभी चलो ये काम चल रहा है, इस काम को मैं निपटा लेते हैं, थोड़ा समय बाद जाएंगे, आधा घंटे बाद जाएंगे, एक घंटे बाद जाएंगे, तो ऐसा नहीं कीजिए क्योंकि उससे क्या होता है ग्रेजुअली स्टूल्स ड्राई अप होते जाते हैं, क्योंकि जितनी देर वो आपके रेक्टम एरिया में पड़े रहते हैं तो वहाँ से वो उनका जो वाटर है बॉडी में और एब्जॉर्ब हो जाता है और स्टूल्स ड्राई हो जाते हैं, जिससे कि जब उसके बाद आप स्टूल्स पास करते हैं तो वो और भी हार्ड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, जब आपको लग रहा है कि स्टूल पास करना है तो आप स्टूल पास के लिए चले जाइए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको पाइल्स इन जनरल डेवलप नहीं होंगे, पर अगर डेवलप हो ही गए तब क्या करना है कि बाई चांस आपको पाइल्स हो चुके हैं तो अब आप क्या करेंगे। पाइल्स में हमेशा सर्जरी की ज़रूरत हो ऐसा नहीं होता, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि अगर आप ध्यान रखें या जो करें तो आपकी सर्जरी बच सकती है। 10 में से सिर्फ टेक्निकली एक पेशेंट ऐसा होता है जिसको एक्चुअल सर्जरी की ज़रूरत होती है, बाकी 9 मरीज बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं। तो आपको क्या क्या करना है अगर आपको पाइल्स डेवलप हो गए, क्योंकि ग्रेड 1 ग्रेड 2 वाले पाइल्स में यूजुअली सर्जरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, 3rd या 4th में रिक्वायरमेंट होती है। चलिए मैं ग्रेडिंग भी आपको समझा देती हूँ कि ग्रेडिंग क्या रहती है। ग्रेड 1 पाइल्स जो होते हैं वो उसमें आपको सिम्टम्स होते हैं लेकिन आपको पाइल्स फील नहीं होते, वो रेक्टम एरिया के अंदर ही रहते हैं। ग्रेड 2 के अंदर जब आप स्टूल पास करते हैं, जब जोर लगाते हैं तो वो बाहर की तरफ आपको फील भी होते हैं लेकिन वापस अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 3 के अंदर आपको ये जो स्वलन वेन्स हैं वो रेगुलरली फील होती हैं लेकिन आप उन्हें अंदर भेज सकते हैं, अंदर जा सकती हैं वो वेन्स। और ग्रेड 4 के अंदर ये जो स्वलन वेन्स हैं वो बाहर ही रहते हैं, वो अंदर जाते भी नहीं हैं। तो ये ग्रेडिंग होती है बेसिकली। इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वाले जो पाइल्स हैं वो तो सिर्फ जो ये घरेलू उपचार है उनसे ठीक हो सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको डिटेल में समझा वाली हूँ। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के अंदर सर्जरी की रिक्वायरमेंट आ सकती है, ग्रेड 4 में तो आती ही आती है, 3rd का यह है कि आप ध्यान रखें तो वो बेटर हो सकते हैं। तो जानते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें आप घरेलू लेवल पे अपने लेवल पे करें जिससे कि यह पाइल्स की समस्या ठीक हो जाए, भले ये डेवलप हो चुकी है तो भी। देखिए अगर आपको पाइल्स डेवलप हो गए हैं तो आपको क्या करना है, खाने पीने में तो डेफिनेटली फाइबर का इंटेक बढ़ा देना है, वो तो एक करना ही करना है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। सिट्स बाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिट्स बाथ क्या होता है, एक बड़ा सा टब लेना है,
उसके अंदर गुनगुना पानी डालना है। उस गुनगुने पानी में आप दिन में 2 से 3 बार 10-10 मिनट के लिए बैठिए, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को एक बड़ा टब लीजिए, उसके अंदर गुनगुना पानी डालिए, उसमें 10-10 मिनट दिन में 2 से 3 बार बैठिए। उसमें बैठने से क्या होगा, जो वो स्वलन वेन्स है यानी कि जो वो सूजी हुई नसें हैं उनके आसपास की जो सूजन है वह सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। जब वह सूजन कम हो जाएगी तो उसके अंदर होने वाला जो दर्द है वह भी कम हो जाएगा, उस एरिया के अंदर आपको इरिटेशन भी कम होगा और साथ में जो ब्लीडिंग होने की समस्या है वह भी कम हो जाएगी। तो सिट्स बात करना शुरू कीजिए, इसे आप कम से कम 15-20 दिन लगातार कीजिए और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इसके लिए कुछ प्रकार के लोकल ऑइंटमेंट्स आते हैं जो कि हम लोग लिखते हैं। उन ऑइंटमेंट्स में 2 प्रकार के ऑइंटमेंट होते हैं, एक इस तरह के ऑइंटमेंट होते हैं जो वहाँ की सूजन को कम कर देते हैं, जो यूजुअली माइल्ड स्टेरॉयड होते हैं। दूसरा, ऐसे ऑइंटमेंट्स आते हैं, ऐसी ट्यूब्स आती हैं जो उस हिस्से को सुन कर देते हैं ताकि जब आप स्टूल पास करें तो आपको दर्द ना हो। तो ये ट्यूब्स और ऑइंटमेंट के प्रयोग से भी आपका जो डिस्कम्फर्ट है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, और जैसे ही एक्यूट फेज़ निकलता है और आप अपनी डाइट वगैरह को मॉडिफाई करते हैं तो ये पाइल्स 70-80% केसेस में बहुत आसानी से ठीक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 10 में से सिर्फ एक मरीज को ही सर्जरी की ज़रूरत आती है। तो मैक्सिमम लोग ये सिट्स बात करके, ऑइंटमेंट्स लगा के और कॉन्स्टिपेशन के लिए अपनी डाइट के अंदर चेंज करके फाइबर रिच डाइट लें, लिक्विड ज़्यादा लें और साथ में लेक्सेटिव ले लें। लेक्सेटिव में कई प्रकार के लेक्सेटिव आते हैं, माइल्ड लेक्सेटिव्स आते हैं जिसमें के अंदर सिर्फ कंसनट्रेटेड शुगर सिरप होता है जो ऑस्मोटिक मेथड पे काम करता है, यानी कि जब आप उसे लेते हैं तो आपकी बॉडी में से और भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि स्टूल पास करना आसान हो जाता है। फाइबर सप्लीमेंट्स भी आते हैं जैसे कि ईसाबगोल, सब बहुत कॉमनली नाम आप लोगों ने सुना होगा, ईसाबगोल आता है फाइबर का जिससे कि आप ले सकते हैं जिससे कि स्टूल पास करना आसान हो जाता है। लेकिन जब भी आप ईसाबगोल ले रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि ईसाबगोल के साथ में आपको पानी बहुत अच्छे अमाउंट में लेना है, नहीं तो फ़ायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ईसाबगोल में बहुत सारा फाइबर है। तो फाइबर आपने ले लिया तो आपका जो स्टूल का वॉल्यूम है वो तो बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में आपने प्रोपोर्शनेटली पानी नहीं लिया तो वो और भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देने लग जाएगा। तो आप ईसाबगोल ले सकते हैं लेकिन उसके साथ में एम्पल क्वान्टिटी में, अच्छा अमाउंट में पानी ज़रूर लें, उसका ज़रूर से ध्यान रहें। तो आप ये जो फाइबर है ये ले सकते हैं। लेक्सेटिव्स तो मैंने बताया है कि कई प्रकार के लेक्सेटिव हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, माइल्ड लेक्सेटिव्स भी होते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ले सकते हैं जिससे कि आपकी ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो और पीछे पीछे ये जो पाइल्स हैं ये भी ठीक हो जाएं। किंतु अगर ये फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपने अपने घरेलू जो भी उपाय हैं ये सब कर लिए, लेक्सेटिव ले लिया, आपने डॉक्टर से लिखवा के फाइबर्स भी ले लिए, लेक्सेटिव भी ले लिया और ट्यूब्स भी लगा ली, लेकिन फिर भी पाइल्स ऐसे कैसे पड़े हैं, तो आगे क्या करना रहता है? अगर ऐसी चीज़ है तो उसमें कई ऑप्शंस होते हैं, यानी कि एक तो सर्जिकल होता है, एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन होता है। नॉन सर्जिकल ऑप्शन में कुछ लोग वहाँ पे रबर बैंड जैसी चीज़ लगा देते हैं जिससे कि, रबर बैंड नहीं होता, वो लाइगेशन होता है, यानी कि जिससे कि उनका ब्लड सप्लाई रुक जाए। वो डॉक्टर्स करते हैं उस चीज़ को भी जिससे कि वो शेड ऑफ हो जाते हैं, ऑल्दो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं किया जाता क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ जो की जाती है होती है स्क्लेरोथेरेपी, यानी कि कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे कि ये जो वेन्स हैं ये थ्रोम्बोज हो जाएं, ये वेन्स सेटल आउट हो जाएं। स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन लगाने का एक प्रोसेस होता है। ऑल्दो इन चीज़ों के कंपैरिजन में अगर ये नहीं ठीक हो रहे हैं तो हम लोग सर्जिकल मेथड को बेटर ऑप्शन कंसिडर करते हैं, क्योंकि आजकल जो सर्जरी है वो लेज़र के माध्यम से बहुत ही आसानी से हो जाती है। ऑल्दो सर्जरी की ज़रूरत, जैसा कि मैंने आपको समझाया, 10 में से 1 ही मरीज में रिक्वायरमेंट होती है। तो सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है ये आपको डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपके डॉक्टर इसका डायग्नोसिस करनी है नहीं करनी, पाइल्स हैं या नहीं है, बहुत ही आसानी से क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे पता चल जाता है। डॉक्टर क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं और साथ में डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं जिससे कि इसका डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की सोनोग्राफी, MRI या सब कराने की ज़रूरत नहीं रहती। इसका डायग्नोसिस काफ़ी आसान होता है जो कि सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हो जाता है। तो अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं, जो कि सिर्फ 10% केसेस में ही ऐसा होता है कि ये ठीक नहीं होते, तो इसको सर्जरी के माध्यम से भी आजकल काफ़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये सर्जरी लेज़र के माध्यम से लेसिक सर्जरी होती है जिसमें कि बिल्कुल भी ब्लड लॉस भी नहीं होता और हीलिंग भी काफ़ी फास्ट होती है। आई होप पाइल्स को लेके आपका जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।